नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, हमारे देश में महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन क्या महिलाएं सुरक्षित है? यह सवाल क्यों उठाया जा रहा है, तो उसके पीछे की घटना, अभी हाल ही में जो मुंबई से घटना सामने आई है, वह घटना है। दरअसल मुंबई में पिछले बुधवार को एक महिला वकील के साथ में चलती ट्रेन में छेड़खानी की घटना हुई। आपको बता दें कि मुंबई शहर के उपनगर के किसी स्टेशन से वो महिला प्रवास कर रही थी, महिला वकील, और वो जा रही थी जोगेश्वरी की तरफ, हार्बर लाइन से जोगेश्वरी जा रही थी। तभी बीच रास्ते में एक युवक ने महिला के साथ छेड़खानी की और अभद्रता की। जितनी शर्मसार करने वाली यह घटना थी, उससे अधिक शर्मसार करने वाली घटना यह हुई कि महिला जब जोगेश्वरी उतरी और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, तब पुलिस ने शिकायत ना दर्ज करते हुए महिला से उलूल जुलूल सवाल पूछे, जिस पर महिला वकील काफी हर्ट हुई और उन्होंने सोशल मीडिया पर इस मामले की पोस्ट डाली। जब यह महिला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वारदात की पूरी घटना की पोस्ट वायरल की और उसमें उसने ये बताया कि किस तरह से पुलिस ने उसके साथ अभद्रता की, तब लोगों ने पुलिस के आला अधिकारी को टैग करते हुए पुलिस को खरी खोटी सुनाई। तब पुलिस के आला अधिकारियों की नींद खुली और उन्होंने इस घटना के जांच के आदेश दिए। बाद में इस आरोपी को पकड़ लिया गया और जांच में यह पता चला कि आरोपी एक आदतन अपराधी है जो इससे पहले भी कई बार जेल जा चुका है। इसका नाम बिहारी लाल यादव बताया गया है। इस आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद महिला के साथ में पुलिस द्वारा बदसलूकी किए जाने को लेकर भी पुलिस डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। अब इस मामले में आगे क्या होगा वो समय पर ही मालूम पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो सवाल हमने शुरू में उठाया था कि क्या महिलाएं सुरक्षित है, तो इस सवाल का कारण यही है कि जब एक महिला के साथ में बदसलूकी होती है और वो पुलिस में जाकर कंप्लेन करती है, तब पुलिस का फर्ज है कि कंप्लेन दर्ज करे, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने अपना फर्ज निभाने की जगह उस महिला के साथ में जो सवाल जवाब किए, यही कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बात है। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो आगे देखिए, इस घटना से जुड़े मामले पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है। अभी नमस्कार सर। ये जो सोशल मीडिया पे पहले एक मैटर आया था कि कोई 43 वर्षीय महिला वकील के साथ लोकल ट्रेन में छेड़खानी हुई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस पे प्रश्न उठने लगे कि क्या मुंबई में महिला सुरक्षित है, तो सर क्या है ये पूरा मामला? जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन पे और 21 सितंबर 2022 सुबह 10 बजे के करीब एक महिला ट्रेन से सफर कर रही थी, उसी दौरान उसके साथ एक छेड़छाड़ी का मैटर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ था। तो हम लोग उस मैटर को रेलवे पुलिस गंभीरता से लेते हुए पूरी 4 टीम बना के उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो हमारी पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और हमारे इन्फॉर्मेशन के आधार पे 3 ही दिन में हमारी टीम ने उस आरोपी को महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के एरिया में से ताबे में लिया है और उसको हमारी टीम ने और सैटरडे नाइट अरेस्ट किया। सर वो इंसान हिस्ट्री शीटर है या किस पहली बार क्राइम है, क्या है सर उसका मामला? इसके ऊपर मोबाइल चोरी का एक केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और दूसरा कौन सा केस इसके ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है। तो सर ये क्या मतलब, कोई रेप की कोशिश किया था या छेड़खानी था, मतलब किस तरह? ऐसा नहीं है, ऑलरेडी नशे में था ऐसा समझ में आ रहा है और नशे में उन्होंने एक महिला को टच करके उनको छेड़छाड़ी करके वो भाग गया। तो सर अभी जिस तरीके से सोशल मीडिया पे मुंबई पुलिस को और मुंबई रेलवे पुलिस को टैग किया जा रहा है कि क्या महिलाएं मुंबई में सुरक्षित है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 100% महिलाएं मुंबई शहर में और रेलवे में सुरक्षित है। मैं इस माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसा कभी भी किसी के साथ भी ऐसा हो या कोई फर्स्ट क्लास डब्बे में लेडी फर्स्ट क्लास डब्बे में कोई चेंज ट्रैवल कर रहा है और उसकी हरकतें कोई सस्पेक्ट लग रहे हैं तो तुरंत पुलिस का रेलवे पुलिस का कंट्रोल का नंबर 1512 इसके ऊपर कॉल करना चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए और जिसके साथ भी ऐसा कोई छेड़खानी होता है वो चुप ना बैठे, पुलिस स्टेशन आके तुरंत रिपोर्ट करे ताकि पुलिस को भी समझे कि ऐसे क्राइम हो रहा है, तो पुलिस 100% वो आरोपी को अरेस्ट करेगी। सर आरोपी के खिलाफ कौन से सेक्शन के तहत FIR हुआ है? आरोपी के खिलाफ 354 IPC के तहत FIR रजिस्टर हुआ। सर कितने दिन की रिमांड पर भेजा है? उसको हमने कोर्ट के सामने पुलिस किया है तो कोर्ट ने उसको जुडिशियल कस्टडी केस किया है। थैंक यू सर।
हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।